नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। 5 साल पहले न्यू ईयर पर ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए थे सिद्धार्थ। क्या है सिद्धार्थ की ये कहानी, आई आपको बताते हैं। वेल, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हैं और अब सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी एक और कहानी सामने आई है। वेल, एक और जहां बिग बॉस 13 के घर के अंदर सिद्धार्थ और रश्मि की लड़ाई ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ घर के बाहर भी कई वजहों से चर्चाओं में है। सिद्धार्थ शुक्ला की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो नशे में धुत नजर आ रही है। दरअसल सिद्धार्थ की तस्वीर 5 साल पहले न्यू ईयर की है, जब ड्रिंक एंड ड्राइव केस के चलते सिड को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त जुहू पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला शराब के प्रभाव में अपनी कार चलाते हुए पाए गए थे, जिसके चलते उनका लाइसेंस तुरंत जब्त कर लिया गया था और इसके साथ ही उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सिड नए साल के मौके पर जुहू में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इसके अलावा 22 जुलाई 2018 को सिद्धार्थ शुक्ला को रैश ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सिद्धार्थ तेज गति से अपनी कार चला रहे थे और इस दौरान उन्होंने अचानक अपना नियंत्रण खोल दिया और 3 कारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में करीब 5,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद सिद्धार्थ को रिहा कर दिया गया था। खबरों की माने तो सिड अपनी अनावश्यक मांगों के चलते शो के सेट पर भी नखरे किया करते थे। सिड अक्सर सेट पर देर से पहुंचते थे। सिद्धार्थ के साथ काम कर चुके उनके को एक्टर अक्सर सिद्धार्थ के इस रवैये के चलते परेशान भी रहते थे। यहाँ तक कि मेकर्स को भी सिड की मांगों के चलते काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी और अब बिग बॉस के घर में उनका जलवा देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के घर के सबसे चहेते कंटेस्टेंट के रूप में सिद्धार्थ शुक्ला उभर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।